तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो का ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एकदम नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा चल रही है अभी और इस लड़के के जो फॉलोअर्स है 1.3 के आसपास होंगे शायद या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी वीडियो आज हम बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले तो आपको ग्रीन कलर के कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। आप ग्रीन कलर का कपड़ा भी यूज कर सकते हो या फिर आप ब्लू कलर का कपड़ा भी यूज कर सकते हो। आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा ये 50 से 60 रुपए का, और यदि आपके पास पहले से है तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो और इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी काइन मास्टर ऐप की। अगर आपके पास काइन मास्टर ऐप नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो अपन वीडियो को ऐसी बनाना सीखते हैं। तो गाइस ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको कोई सी भी टिकटॉक वीडियो ले लेनी है। जैसे मान लो मैंने ये वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं करूँगा क्या, इस आइकन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यूज़ दिस साउंड पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस यूज़ दिस साउंड पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो टाइमर लिखा रहा है तो टाइमर पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है, स्टार्ट शूटिंग पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप कि क्या बोलते हैं आप बीच में कोई बात नहीं स्क्रीन पे, ठीक है। मेरे बाप ने मुझे ये जानने के पास आई लव यू रिकॉर्ड कर लिया है। तो रिकॉर्ड करने के बाद आपको करना क्या है, राइट पे ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। राइट पे क्लिक कर देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो को प्राइवेट कर देना है और इसको आपको पोस्ट कर देना है, ठीक है। पोस्ट कर देने के बाद ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम काइन मास्टर ऐप के अंदर। सो गाइस अब हम आ गए हैं काइन मास्टर ऐप के अंदर। अब काइन मास्टर ऐप के अंदर आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करो, 16:9 रेशियो सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको करना क्या है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपको ये वाली वीडियो ले लेनी है। ये वाली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले तो ये काम करना है कि आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है, साउंड पे क्लिक करके इस साउंड को आपको बंद कर देना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको आपने जो टिकटॉक से अभी वीडियो को डाउनलोड की थी ना, जो वीडियो आपने प्राइवेट में सेव की थी, उस वीडियो को यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो लेने के बाद आपको करना क्या है, इस वीडियो को ऐसे रोटेट कर लो, ठीक है। अब रोटेट करने के बाद इसको आपको ऐसे बड़ा कर देना है, ठीक है। बड़ा कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो इसको स्क्रॉल करना है, क्रॉपिंग लिखा रहा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इतना क्रॉप करना है कि आपका जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है वो आपका रहे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको क्रॉप कर देना है, ठीक है। तो देखो मैंने इतना क्रॉप कर दिया, ग्रीन ग्रीन है। उसके बाद राइट पे से मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको करना क्या है, वापस नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्रोमा के लिखा रहा है इस पर क्लिक करना है और इसको आपको एनेबल कर देना है। अब एनेबल करने क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है वो हट जाएगा। अगर आपके ग्रीन पार्ट नहीं हटे तो आपको करना क्या है, की कलर लिखा रहा है, की कलर पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे मेरा बैकग्राउंड हरा कलर का था तो यहाँ पर मैंने हरा कलर को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये हरा कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो राइट पे से क्लिक कर दो। उसके बाद आपको इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर देखो पीछे थोड़ा हल्का ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप इसको एडजस्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने इसको थोड़ा इतना एडजस्ट कर दिया, उसके बाद मैं नीचे इसको भी इतना कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो पीछे का जो पार्ट है वो पूरा हट चुका है, बस थोड़ा थोड़ा ही थोड़ा सा दिख रहा है, तो उसके लिए भी हम कर्व पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐसे कर्व को नीचे कर देंगे। अब आप देख सकते हो हमारा इतना पार्ट हो चुका। उसके बाद राइट पर हमको ऐसे क्लिक कर देना है। अब आपको करना क्या है, नीचे वाली वीडियो पर ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पर इसको ऐसे इतना सेट कर देना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मैंने इसको इतना सेट कर दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको राइट पे ऐसे क्लिक कर देना है। अब आपको वीडियो को चलाना है और यहाँ पर हम अब लिरिक्स लिखेंगे। लिरिक्स को कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम वीडियो को चला लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर, ठीक है। पिंकी आई लव यू सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड कोई बात नहीं तेरे बाप ने मुझे ये जानने के 5,000 रुपए दिए थे। तो देख सकते हो अब यहाँ पर ये ऐसा आ रहा है। अब उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर फर्स्ट वर्ड बोला था पिंकी, मतलब इसी टाइप का बोला था, है ना। तो वो वर्ड हम यहाँ पर लिख देंगे। तो
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे आप जो भी वीडियो को एडिट करोगे उस सॉन्ग को आप सुन लेना क्या बोल रहा है वो आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वीडियो एकदम सही बनेगी और अच्छी भी लगेगी। अगर आपके सॉन्ग है तो आप सॉन्ग को क्या करना, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। तो मैंने एक यहाँ पर ये लिख दिया, अब मैं इसको थोड़ा ऐसे बड़ा कर दूँगा, यहाँ पर लाऊँगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो आपको टेक्स्ट पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रॉन्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप कोई से भी फ्रॉन्ट ले सकते हो आपकी अकॉर्डिंग, बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको और चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं देखो ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद राइट पर मैं क्लिक कर देना। अब ये इस टाइप से हो गया, ठीक है। कलर देना चाहते हैं हम तो हम कलर भी दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं, पिंक या फिर दूसरा कलर दे देते हैं, जैसे ये वाला दे देते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप ग्रो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप ग्लो इफेक्ट भी दे सकते हो, ठीक है, आउटलाइन देना चाहते हो तो आउटलाइन दे सकते हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ऐसे करने में, मतलब अच्छी लगेगी आपकी वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपको राइट पे से क्लिक कर देना है और आपको वीडियो को चलाना है और जहाँ तक ये बोल रहा है वहाँ तक हमको इस वर्ड को रखना है। तो वो चलाते हैं हमें, पिंकी आई लव यू, सॉरी आई हैव, यहाँ तक बोला, ठीक है, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे, सीजर पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको करना क्या है, वापस इस पर क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन पर जाएंगे और यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो पॉपअप आप कर सकते हो, साइड वाला ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये और भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, साइड राइट साइड लेफ्ट, ठीक है, बहुत अच्छा लगा है, तो पॉपअप वाला मैं रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं चलाता हूँ, देखो आप पिंकी आई लव यू, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं जहाँ से ये बोलता है, तो यहाँ पर देखो पिंकी आई लव यू, सॉरी आई हैव, ठीक है। तो इतना आपको सेट कर लेना आपके अकॉर्डिंग, जितना आपको रखना है वो पार्ट आप रखना। फिर इसके बाद ये बोलता है सॉरी आई हैव बॉयफ्रेंड, इसी टाइप में बोलता है। तो वापस हम लेयर पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर लिख देंगे सॉरी आई हैव बॉयफ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे, इस पे जाएंगे, वापस हम यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर हम ये ले लेंगे, राइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आउटलाइन पे जाके कोई सा भी ले लेंगे हम, ठीक है। कलर भी आप देना चाहो तो कलर भी आप दे सकते हो, देखो यहाँ बैकग्राउंड भी ऐसा कर सकते हो, और भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको कलर चाहिए तो आप दूसरा कलर भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे रेड कलर में कुछ चाहिए तो रेड में ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। शेडो आपको आउटलाइन आपको दूसरे कलर की चाहिए तो आप यहाँ पर ये कलर ले सकते हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब उसके बाद हम वापस ऐसे चलाते हैं वीडियो को, सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, इतना बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमको रोक देना है और इसको इतना ट्रिम कर देना है, ठीक है। फिर आपको अब इन एनिमेशन में जाके फेड कर देना है, ठीक है। तो आप देखना हमारी वीडियो कैसी है, पिंकी आई लव यू, सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, देखो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके बाद आपको और आपको कर देना है, यहाँ पर आपको जो जो टेक्स्ट आपको लिखना है वो वहाँ रख लो, कोई बात नहीं ये बोल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर हम लिख देंगे कोई बात नहीं लिख दिया। यहाँ पर इसको इस पर भी हम यही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर और टेक्स्ट मतलब इमोजी लगानी है तो आप इमोजी भी लगा सकते हो, आपको बहुत सारे इमोजी मिल जाएंगे, ठीक है, देख सकते हो आप, तो इमोजी आप लगा सकते हो। उसके बाद हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई बात नहीं तेरे बाप, इतना हम रख लेंगे, ठीक है, बात नहीं तेरे बाप ने मुझे। तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है, इतना आपको आराम से कर लेना है ताकि आपकी वीडियो बिगड़ेगी नहीं। तो चलो मैं इसको लास्ट वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको वीडियो का फुल पार्ट दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो कैसी बनी है। तो गाइज़ यहाँ पर देखो मैंने वीडियो को एडिट कर लिया है, अब मैं आपको इसको प्ले करके बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो पिंकी आई लव यू, सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, कोई बात नहीं तेरे बाप ने मुझे ये जानने के 5,000 रुपए दिए थे।
तो गाइस आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हमारी वीडियो। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है, हमारी वीडियो पे क्लिक करना है, सीजर पे क्लिक करके आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, ठीक है, और आपको नीचे वाली वीडियो पे भी ऐसे करना है, ठीक है। अब आपको साउंड भी हमारा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर हमारी वीडियो भी बन चुकी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इस आइकन पर क्लिक करके ऑडियो फेड आउट को बंद कर देना है, ठीक है, और उसके बाद आपको शेयर पर क्लिक करके इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अब लास्ट में अब मैं आपको वीडियो एक बार और बता देता हूँ कि हमारी वीडियो कैसी बनी है। पिंकी आई लव यू। तो इस तरीके से आप जो अपनी वीडियो को बना सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई बात नहीं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मुझे ये जानने के 5000 रुपए दिए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ।